साथियों, क्रिमिनल केस के अंदर जब ट्रायल चलती है और जब उसमें विटनेसेस आते हैं, तो उन विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर ही जो भी कोई व्यक्ति अक्यूज होता है, मींस जिस किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में वो केस फाइल होगा, उस व्यक्ति को या तो सजा होगी, मींस वो कन्विक्ट होगा, या फिर वो बरी होगा, मींस एक्विटल होगा। तो एक गवाह का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। तो उसमें अगर कोई भी गवाह अगर एक्विटल हो, मींस वो अगर जो स्टेटमेंट दे जहां प्रोसिक्यूशन के फेवर में हो, और अगर कोर्ट में आकर के क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में ही अगर अपने स्टेटमेंट दे दे, तो ऐसा व्यक्ति होस्टाइल विटनेस होगा। तो होस्टाइल विटनेस के आधार पर क्या किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर अक्यूज को सजा दे सकती है कोर्ट? तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, क्रिमिनल केस में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक विटनेस का बहुत अधिक रोल होता है, और जब भी कोई प्रोसिक्यूशन केस होगा तो उसके अंदर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें बहुत से विटनेस होंगे अलग अलग। कोई आई विटनेस हो सकता है, मीन्स जिसने वो घटना होती हुई देखी है। कोई हियर से विटनेस हो सकता है, मीन्स उसने घटना के बारे में सुना है, डायरेक्ट देखा नहीं है। तो ऐसे अलग अलग विटनेसेस होते हैं। जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल होती है और चार्जशीट के बाद में जब उसमें एविडेंसेस आने से प्रारंभ होते हैं, मीन्स विटनेसेस कॉल होते हैं, तो उसमें उस समय जो भी कोई विटनेस के द्वारा अपना स्टेटमेंट दिया जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद में उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। अक्यूज के एडवोकेट के द्वारा उससे क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन के समय अगर कोई भी विटनेस अगर उस अक्यूज के फेवर में कोई स्टेटमेंट दे दे, मीन्स प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में जो उसने पुलिस को बयान दिए थे उसके अगेंस्ट में अगर बयान दे दे, तो ऐसे में वो होस्टाइल विटनेस कहलाएगा। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जो कि होस्टाइल विटनेस अगर डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट अपने दिए गए हैं कोर्ट के अंदर तो वो सही नहीं होंगे, मीन्स वो मान्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर ये कह दिया गया कि अगर कोई भी विटनेस जो कि होस्टाइल हो चुका है, मीन्स उसने प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में अपने स्टेटमेंट दिए हैं कोर्ट के अंदर और उसे होस्टाइल डिक्लेयर कर भी दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके स्टेटमेंट को कोर्ट के द्वारा पढ़ा ही नहीं जाएगा। कोर्ट उसके स्टेटमेंट को पढ़ेगी और कोर्ट को ये देखना होगा कि उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके साथ में कोरोबरेट करते हुए जो अदर विटनेसेस हैं उनके जो स्टेटमेंट है, तो उसके साथ में जो भी जो अदर विटनेसेस हैं जो होस्टाइल नहीं है, तो उनके जो स्टेटमेंट है वो और जो एक होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट है वो, उन दोनों को कोर्ट मैच करेगी। और उसमें से अगर होस्टाइल विटनेस के कुछ अगर स्टेटमेंट का कुछ पार्ट अगर उसमें से जो सही विटनेस है, मीन्स जिन्होंने प्रोसिक्यूशन के फेवर में जो बयान दिया है उनसे अगर मैच होते हैं, तो होस्टाइल विटनेस के आधार पर भी ट्रायल कोर्ट के द्वारा किसी भी अक्यूज को सजा दी जा सकती है। अब हम ये जनरल सोचते ये हैं कि अगर कोई भी विटनेस अगर होस्टाइल हो गया है तो हम अब कोर्ट के सामने उसके स्टेटमेंट को बताते ही नहीं है कि होस्टाइल विटनेस के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि उसे कोर्ट भी नॉर्मली देखती नहीं है और ना ही एडवोकेट कोर्ट को बताते हैं। केवल इतना होता है कि ये विटनेस होस्टाइल हो चुका है तो उसके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रही है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया है कि होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट की भी वैल्यू रहेगी और उतनी ही वैल्यू रहेगी जितना कि एक जो अदर विटनेसेस हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में थे पहले भी और उनके द्वारा स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो कोर्ट में आकर के भी प्रोसिक्यूशन के फेवर में दिए गए हैं, तो सेम वैसी वैल्यू रखेगा। लेकिन उसके स्टेटमेंट में से कोर्ट को ये देखना होगा कि होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट जो है उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि अदर विटनेसेस के साथ में मैच होता है, और उसके आधार पर अगर कोर्ट को लगेगा कि ये घटना हुई थी तो अक्यूज को सजा दी जाएगी। क्योंकि ऐसा ही प्रीवियसली एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस हुआ था ये, तो इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम यही बात कही थी कि होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट भी कोर्ट के सामने ही हुए हैं तो वो पढ़े जाएंगे, बिल्कुल पढ़े जाएंगे, और उसमें उस हद तक उन स्टेटमेंट को देखा जाएगा कि क्या जो स्टेटमेंट अदर विटनेसेस ने दिए हैं वैसे ही अगर उसमें से कुछ मैच होते हैं होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट, तो उसके आधार पर कोर्ट उस अक्यूज को सजा दे सकती है।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई विटनेस हॉस्टाइल हो तो उसके बावजूद आपको जब फाइनल आर्गुमेंट हो कोर्ट के सामने तो उस समय आपने फैक्ट जरूर रखें और ये बताएं कि हॉस्टाइल विटनेस के द्वारा ये अपने स्टेटमेंट दिए गए थे और उसके बाद में जो अदर विटनेसेस आए हैं कोर्ट के सामने उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है तो इनके अंदर ये मैच होता है, उसके आधार पर कोर्ट सजा दे सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।